कर पाकिस्तान को वो मुल्क बना जिधर बाहर की दुनिया से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। हम बनू के हल्का पी के 72 की यूनियन कौंसिल ममाहेल में मौजूद है, जहां वजीर आला के मौने हसूसी और रहनमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक शाह मोहम्मद खान के मादा इलेक्शन 2018 के लिए पुरजोश थे और अभी से मलिक शाह मोहम्मद खान की कामयाबी के लिए कुर्बानी के जानवर हरीदे हैं। बल्कि यूनियन लीडर और चीफ सपोर्टर दिलाबाद खान ममाहेल की क्यादत में मलिक शाह मोहम्मद खान की कामयाबी के लिए इंतहाबी मुहिम भी शुरू कर रखी है। इस मौके पर दिलाबाद खान ममाहेल ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि मलिक शाह मोहम्मद खान ने 4 सालों में पूरे हल्का में जो रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं और जो रिकॉर्ड तमीराती काम किए हैं माजी में किसी भी नुमाइंदे और किसी भी हुकूमत ने नहीं किए हैं। इलेक्शन 2013 में मलिक शाह मोहम्मद खान ने इस इलाके में कोई काम नहीं किया था, उस वक्त भी हमने उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब किया था। हालिया बल्दियाती इलेक्शन में भी PTI के तमाम मेम्बरान कामयाब कराए और इंशाल्लाह 2018 के इलेक्शन में भी मलिक शाह मोहम्मद खान को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे, क्योंकि मलिक शाह मोहम्मद खान ने 40 करोड़ रुपए की लागत से मिरियान रोड की तामीर का काम शुरू किया है। PK 72 के लिए तहसील, कैडेट कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, डिस्पेंसरी, वाटर सप्लाई मनसूबे, 2500 किलोमीटर सड़कें, सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स, डैम और अरबों रुपये के दीगर मनसूबे मंजूर करवाए हैं। सरगर्मी भी जज्बा भी इलेक्शन तैयारी दे परिदा मुहिम में सियासी मुखालफी की टीम थी आगाज 2018 इलेक्शन दे पर तहरीकी पर पगेंडे मुहिम से सदस्य मुहिम से लकादी मुख से 72 तहसील को बारे से कैमरा पर पगेंडे उनका नाकाम हुई है कोशिश को उन्होंने कहा कि PK 72 के लिए मंजूरशुदा तहसील के खिलाफ साजिश करने वाले इसी तरह नाकाम होंगे जिस तरह मिरियान रोड की तामीर के खिलाफ उनकी सियासत नाकाम हो गई, और हम इन्हें मशवरा देते कि हमारे वोट मलिक शाह मोहम्मद खान और PTI की अमानत है। मुहालिफिन आइंदा इलेक्शन में ममाहेल में अपना वक्त और पैसा ज़ाया न करें। इंशाल्लाह इस मरतबा मलिक शाह मोहम्मद खान को तारीखी कामयाबी दिलाएंगे। इमरान अली नशात, बन्नू न्यूज़, बन्नू। पाकिस्तान।